subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मेरा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस आने वाला है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डेकोरेशन करना रहता है, तो आज हम DIY करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने एक ऐसा एक प्लांट था जो सूख गया था, तो मैंने उसको कुछ इस तरीके से रैप कर लिया ताकि मैं इसे अच्छे से पेंट करके इसका क्रिसमस ट्री बनाऊं, और जो कि मैंने इसे एकदम वाइट पेंट से कर दिया। पहले मैंने ऐसा सोचा था कि मैं इसमें वाइट पेंट करके ही इसको थीम वाइज थोड़े बहुत डेकोरेशन करके इसको मैं बना दूंगी, बट फिर बाद में क्रिसमस ट्री का मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि इसको पूरा क्रिसमस ट्री बनाया जाए। और फिर कुछ इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया अच्छे से पूरा डेकोरेट करके। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे वीडियो आपको बना के बताना था, क्योंकि हम पूरा वीडियो बनाने वाले थे कि हमें कैट के फ़ोटोज़ कैसे लेने हैं क्रिसमस में। सो बेसिकली मैंने एक चार्ट पेपर लिया था जिसको मैंने अपने बैकग्राउंड बनाया कैट के लिए। फिर मैंने ये एक रग लिया, रग के ऊपर मैंने एकदम वाइट वाला क्लॉथ बिछा दिया, एंड उसके बाद मैंने अपना क्रिसमस ट्री को प्लेस किया। लग रहा है थोड़ा छोटा व्यू है, बट फिर आपको मैं पूरा फुल करके दिखाऊंगी। एंड उसके बाद हमारे पास कुछ लाइट्स थी, हमने उसको ट्री के ऊपर डेकोरेट कर दिया ताकि हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने में हमारा कैट अट्रैक्टिव लगे, एंड जो कि बहुत ही ईजीली सब कुछ हो गया था। इसको काफ़ी टाइम लगा वैसे, ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगे इसे क्रिएट करने में, बट मैं आपको इतना पूरा डिटेल में नहीं बता पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट जितना कोशिश हुआ मैंने बताने की कोशिश की। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे गिफ्ट रैप्स लिए थे और मैंने उसे यहाँ पे डाल दिया ताकि फ़ोटोज़ अच्छी दिखे, वीडियोज़ अच्छे दिखे। ये बहुत ही इजी था, आप बिल्कुल भी ऐसा घर में कर सकते हो। सो बेसिकली अभी मैंने इतना सारा सब डेकोरेशन कर दिया है, मुझे बस ये था कि वीडियो बहुत अच्छा आए। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ गिफ्ट बॉक्स, मैंने उनको भी गिफ्ट बॉक्स को भी प्रॉपरली अच्छे से डेकोरेट कर लिया ताकि मेरे को और अच्छा व्यू मिले। उसके बाद मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्रिसमस में जो डेकोरेशन के काम आते हैं वो और ले लिया था स्टेशनरी से, ताकि मैं ट्री को और थोड़ा डेकोरेट कर लूँ। एंड फाइनल टच मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी। बहुत ही मैंने मतलब छोटे छोटे सामान का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जैसे ग्लिटर स्टार्स हो गए एंड बॉल्स हो गए एंड क्रिसमस का कैंडल्स हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत छोटी छोटी यूज़ की है। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था उससे। लाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बिना लाइट के हमारा डेकोरेशन बिल्कुल भी फुलफ़िल नहीं हो रहा था, तो हमें थोड़ी और लाइट की ज़रूरत थी। बट बिकॉज़ हमारा छोटा सा डेकोरेशन साइट था, जो कि हमको पूरा आप लोगों को वहाँ पे सजा के बताना था, एंड हमें रील्स के या फिर नॉर्मली वीडियोज़ के लिए इतना ही इनफ होता है जितना हम लोगों ने स्पेस यूज़ किया है फॉर वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़। तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ये चीज़ घर में करेंगे तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे स्पेस में ये डेकोरेशन कर सकते हैं। सो ये अब मैं आप लोगों को मेरा फाइनल टच बता दूंगी कि हम लोगों ने फाइनली कैसे क्या क्रिएट किया था। सारा कुछ डल तो गया था, बट मुझे कुछ थोड़ा बहुत पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने फिर से उसको स्टार्ट किया एंड ये चीज़ मेरी छूट गई थी, एंड उसको मैंने फिर पूरा फिल कर दिया। ये थर्माकोल बॉल्स है जो और थोड़ा अच्छे लगते हैं, सो मैंने इन्हें भी डाल दिया था। एंड ये स्टिक्स है, स्टिक्स को भी मैंने यहीं पे नीचे प्लेस कर दिया था, कुछ मैंने हैंग किए कुछ मैंने प्लेस किए। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जो स्पेस साइड में आपको दिख रही थी वो भी मैंने गिफ्ट बॉक्स से फुलफिल कर दी, ताकि यहाँ पे हमें पूरा एक व्यू मिल जाए। और उसके बाद हमने धीरे से अपने कैट को बुलाया ताकि वो डेकोरेशन से थोड़ा सा इजी हो जाए, और जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। सो मैं अब आपको फाइनल व्यू बताऊंगी। एंड टंटना, ये रही हमारी ब्यूटीफुल कैट। ये हुडीज हमारे पास अवेलेबल है कैट्सबे पे, आप ले सकते हो इनको, आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्टली। ये सारी हुडीज हमारे पास अवेलेबल है फॉर स्पेशल ओकेशन, फॉर स्पेशल फेस्टिवल क्रिसमस के लिए। और भी ज़्यादा हम लोगों के पास है, आप लोग बिल्कुल मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो।
तो जैसा कि आपको दिख रहा है, कैट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आप देखेंगे बैकग्राउंड बहुत प्यारा आया है, क्योंकि मैंने लेमन कलर लिया था, इस वजह से वाइट कैट के ऊपर वो बैकग्राउंड बहुत प्यारा लग रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, छोटे गिफ्ट बॉक्स जो मैंने नीचे प्लेस किए थे, थर्मोकोल बॉल्स जो मैंने नीचे डाले, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं कैट में, कैट की वीडियो पे। और मैंने बहुत ही अच्छी रील्स भी बनाई, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए। ये वाला जो हुडी है, ये 8 नंबर का हुडी है, सॉरी, ये वाला जो टी शर्ट है वो 8 नंबर का टी शर्ट है। जो मैंने पहले वाला हुडी मेरी कैट को पहनाया था वो 10 नंबर का हुडी था। सो अगर आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा है और आपको ऐसे कुछ DIY चाहिए जिसमें आपको आपके कैट को डेकोरेट करना है या फिर आपके कैट के फ़ोटोशूट्स करने हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आपको पता है कैट्स बे कैट्स करके हम लोगों का यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप जाके मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगी। एंड ये बहुत बेस्ट पार्ट था कि कैट जो भी हम डेकोरेशन करें, कभी कभी होता ये है कि कैट को पसंद नहीं आता है, वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब कर देती है, बट हमारी कैट को सब कुछ पसंद आ रहा था एंड वो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रही थी हमारे साथ। कभी कभी होता ये है कि हम हमारे कैट्स को हुडीज़ पहनाते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, नहीं पहनते हैं, कैट्स बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। सो हमें हमेशा ट्राई करना है कि हम हमारे कैट को ट्रीट्स प्रोवाइड करें, ताकि ट्रीट से वो थोड़ा इजी हो जाए और हमें जो भी हमारा काम है वो करने दे। सो फोटोशूट्स में जितने भी आपको फ़ोटोज़ देखनी है वो भी इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है। मैंने अभी आपको सारे हुडीज़ के वीडियो बना के दिए हैं। इसमें 3 साइज़ेज़ है, तीनों मैंने डाले हैं। इसमें 3 पैटर्न्स है, तीनों भी मैंने डाले। इसमें सिर्फ हुडी नहीं है, बट ये वाला जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर हमें क्रिसमस के ओकेशन पे, क्रिसमस के फेस्टिवल पे हमें हमारी कैट को अगर ये पहनाना है, आप इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे बोटाइज है, वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन करेंगे तो कैट और ब्यूटीफुल लगेगा। और आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं नीचे अपना नंबर शेयर कर रही हूँ, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नंबर देख सकते हैं, वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ID भी है, वहाँ पर जाके आप मुझे ये वाला हुडी या फिर ये वाला टी शर्ट जो आपको पसंद आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो मैंने एक और एक कैट को अभी डेकोरेट किया है, मैं वो भी बताऊंगी आपको, वो भी बहुत ही किटन ब्यूटीफुल लगा। इसके पहले भी मैंने वो वाला टी शर्ट ऑलरेडी अपलोड किया है, वो भी इसमें बहुत ब्यूटीफुल लगा और हमने कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोशूट भी कर लिए ताकि हम हैप्पी हो जाए कैट को देखकर, और जितने भी हमारे कैट पेरेंट्स हैं वो भी खुश हो जाए, क्योंकि हमेशा कैट नखरे करती है ये सब पहनने के लिए, टी शर्ट्स खास तौर पे कपड़े पहनने के लिए। सो हमने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। और ये वाला देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि मैंने छोटे छोटे जो गिफ्ट बॉक्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मैंने नीचे डाले, वो वीडियो में कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्रिसमस ट्री तो वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने उसका पूरा वीडियो नहीं बनाया, बट उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था बनाने बनाते, बट आपको दिख रहा होगा कि कितना प्यारा ये लग रहा है। कैट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और बिल्कुल आप भूलिए मत, छोटे पार्टिकल्स हमें बिल्कुल नीचे डालने हैं, उन्हें हैंगिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो नीचे के पोर्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब हैंगिंग मिलेगा और वो कभी कभी फ़ोटोज़ में ब्लर हो जाता है। अच्छा काफ़ी लगता है, लेकिन हमें नीचे के पोर्शन में जहाँ पर हमारी कैट बैठ रही है वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें स्प्रेड करना ज़रूरी है, ताकि वीडियोज़ बहुत अट्रैक्टिव आए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जो छोटे किटन को तैयार किया था वो कैसा लग रहा था। सो ये हमारा छोटा किटन है जिसको हमने क्रिसमस ट्री के अंदर ही प्लेस कर दिया ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, और उसको हमने येलो एंड ब्लू वाली हुडी पहनाई जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये वाला भी साइज़ आपको मिल जाएगा हमारे स्टोर पे, या आप मुझे इसके लिए भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे DM कर सकते हैं। सो ये किटन मुझे सबसे प्यारा लगा। एंड ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल टी शर्ट हुडी है, ये मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको बना के बताया है, पहना के बताया हुआ है। सो ये अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है इसका, तो आप मुझे इसके लिए भी इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप कुछ भी बनाइए अपने कैट को, उसको हमेशा पैम्पर करने की ज़रूरत है, उसको हमेशा ट्रीट देने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कैट बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा आपके साथ। क्या होता है, ये सारी चीज़ों से कैट भूल जाता है कि उसके साथ हुआ क्या है, या उसके साथ हमने कुछ नया ट्राई किया है या नहीं।
ओके सो ये हमारा आज का DIY था। अगर आपको ऐसे ही क्रिएटिव और अट्रैक्टिव वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बिल्कुल बनाने की कोशिश करेंगे। एंड और जितने भी फ़ोटोशूट्स के हैं, हम लोग को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसा हमें हमारे कैट को शो करना है। आजकल इंस्टाग्राम पे पेट वाले इंस्टाग्राम अकाउंट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। सो आपको ऐसे कोई क्रिएटिव वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।